अगली वीडियो पे लाइक करना ना भूले, और वीडियो कैसा लगा आपको प्यारा सा कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना। हाय एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एलजी का 6.2 केजी का यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है, जो कि यहाँ पर जो इसका वायरिंग है, सभी वायरिंग को चूहे जो होते हैं हमारे, उन्होंने खा लिया है, यानी कि डैमेज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के यहाँ पर क्लियर कर लिया है, और इसका पल्सेटर यहाँ पर चूहों ने कतर दिया था, तो वहाँ पर उसे मैंने रिपेयर कर दिया है, क्लीन कर लिया है मशीन को। अब इधर की ओर देखिए, तो ये देखिए ये जो इसका स्पिन टब है, स्पिन टब को भी यहाँ पर मैंने अच्छे से सर्विस कर लिया है, साफ़ कर लिया है। मशीन यहाँ पर बिल्कुल ओके है, मशीन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, दोनों मोटर टाइमर इसका सब कुछ, डोर स्विच सभी चालू है यहाँ पर। बट इसकी जो वायरिंग है फ्रेंड्स, वो वायरिंग यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, यानी कि चूहों ने इसे कतर दिया। तो चलिए पीछे की ओर चलते, पीछे की ओर आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए इसका डोर, मैंने ये कवर जो है इसे यहाँ पर खोल के रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमें, ये देखिए ये टाइमर है हमारा, ये जो है हमारा वॉश टाइमर है, और ये हमारा जो है ये यहाँ पर हमारा स्पिन टाइमर है, और ये हमारा ड्रेन का स्विच है यहाँ पर, और यहाँ से वाटर इनलेट होता है। तो फ्रेंड्स अब बारीकी से इसकी जानकारी बताऊंगा आपको। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक देना। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो ही वीडियो को देखें। तो इसमें मैं आपको फुल्ली जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग होती है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊँगा। देखिए यहाँ पर ये एलजी का WP9220 मॉडल है, और ये देख सकते हो इसमें 140 वाट का मोटर है, जो कि 240 वाट का एक है, वॉश मोटर जो है वो 240 वाट का, और स्पिन 140 वाट का है। 6.2 केजी का ये मशीन है, 5.5 केजी, और रेट टाइमिंग ये देखिए इन्होंने इतना दिया है इसके ऊपर, इसका वेट वह सवेरे दिया है। और ये देखिए यहाँ पर इसका ये वायरिंग डायग्राम है कुछ इस तरीके से, हम इसी वायरिंग डायग्राम को फॉलो करते हुए आपको वायरिंग को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये चार वायर वाला टाइमर है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ब्लैक, येलो, ये ऑरेंज, और ये रेड कलर का वायर इसके अंदर, और यहाँ पर दो वायर दिए हैं इन्होंने, जो कि यहाँ पर चूहे ने कतर दिए थे, तो मैंने यहाँ पर दूसरा वायर लगा दिया है जो कि ग्रे कलर का, और एक यहाँ पर येलो कलर का वायर था, जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए वहाँ पर देखिए येलो कलर का वायर है, और एक यहाँ पर ग्रे कलर का था जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए नीचे की ओर आते हैं। अब मैंने वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, टेपिंग नहीं कराया हमने आपको बताने के लिए, टेपिंग हम बाद में करेंगे। तो सभी वायरों का कनेक्शन यहाँ पर, जितने भी चूहे ने वायर कतर दिए थे उनका कनेक्शन करके हम नीचे की ओर आते हैं। और नीचे की ओर आने के बाद में ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर वायरों का झमेला हो गया है। तो ये हमारा 3 पिन टॉप है, और यहाँ से हमें न्यूट्रल लाइन और अर्थ मिलता है, जो कि देखिए यहाँ पर आ गया है। हमने ये बॉडी के साथ यहाँ पर ग्रीन वायर और एक वायर मोटर के साथ यहाँ पर अर्थ कर दिया है, जो कि ये देख सकते हो ग्रीन कलर का वायर। अब बचा हमारा रेड वायर, तो रेड वायर हमारा फेस का है लाइन का, और ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल का है। तो ये दो वायर सीधे होकर यहाँ से, ये देखिए इन वायरों के ज़रिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं, और इनमें से एक वायर जो है वो एक जो हमारा वॉश टाइमर है उसके ऊपर एक वायर जा रहा है, जो कि यहाँ पर ये देखिए ये रेड कलर से फेस होकर जाता है, और ये येलो और ब्लैक में नीचे आता है, जिससे कि हमारा ये देखिए ये जो मोटर है यहाँ पर रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होती है इसके, वो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके दो वायर, एक वायर यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन का होता है, तो कॉमन हमारा यहाँ पर वाइट होने वाला है कॉमन, और हमारा जो फेज़ है वो फेज़ यहाँ पर येलो रहता है, और रेड जो है हमारा वो यहाँ पर स्टार्टिंग का रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से वायरिंग करते हैं। तो ये देखिए इसका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर दो वायर लग जाते हैं, ये वाले दो वायर लग जाते हैं, और हम इसके पीले कलर में यहाँ पर फेज़ मिलता है हमें कभी, तो कभी इसके ऊपर फेज़ मिलता है। जब इसके ऊपर फेज़ मिलेगा तो मोटर क्लोवाइज चलेगी, इसके ऊपर फेज़ मिलेगा तो एंटी क्लोवाइज चलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये होता है, और इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में सीधा वायर, ये देखिए ये एक वायर और ये एक वायर, ये दोनों वायर सीधा ऊपर जाते हैं, जो कि स्पिन टाइमर के पास, यहाँ से फेज जाता है और इस वायर से फेज
रिटर्न होकर आता है हमारा। ये देखिए, ये यहाँ पर डोर स्विच लगा होता है, इस डोर स्विच से सीधा नीचे आता है और यहाँ पर हमारी ये मोटर है। इस मोटर से भी हमें तीन वायर देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए तीन वायर देखने के लिए मिलते हैं जो कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होती है। तो इसमें जो हमारा ग्रे और वाइट जो वायर है, एक मिनट देख लेते हैं फ्रेंड, इसका डायग्राम है। देखिए डायग्राम के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दोनों भी मोटर के वाइट जो तार है यहाँ पर रनिंग के होने वाले, तो इसके ऊपर हमारा फेज़ आता है दोनों भी टाइमर का। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है फ्रेंड। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से वायरिंग है। दो वायर जो हमारा इसमें जो दो वायर आते हैं वो कैपेसिटर पे लग जाते हैं, और इस वाले मोटर की, ये जो मोटर है इसके वाले भी कैपेसिटर पे लग जाते हैं। ये देखिए इसका एक कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पर दो वायर कैपेसिटर पे लग जाते हैं जो कि यहाँ पर ग्रे और ब्लू, ये हमारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। देखिए एक दो कैपेसिटर है उसमें, इसमें एक 6+6 का एक कैपेसिटर होता है और एक 8 का होता है। जो 6 का होता है वो हमारा जो कपड़े सुखाने वाला मोटर होता है उसका होता है, और 8 का जो होता है वो धोने वाले मोटर होता है उसका होता है। तो देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया है इन्होंने कुछ इस तरीके से। तो अभी इसमें जो पीला और रेड वायर है, ये हमारा, ये देखिए पीला और रेड, ये वॉश मोटर के लिए जाता है, और जो पीला काला और ग्रे कलर का है वो स्पिन मोटर के ऊपर आता है। देखिए यहाँ पर ये हमने कट मार के रखे चेक करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से। और जो हमारा बाकी बचे हुए वायर है, ये ब्लैक और इसका ब्लैक जितने भी हैं हमारे, ये न्यूट्रल है ब्लैक। तो कुछ इस तरीके से वायरिंग होती है फ्रेंड्स। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अभी मैं इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो इसका 3-pin टॉप है, यहाँ पर हम इसे बिजली में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर पावर को ऑन कर देंगे। पावर को ऑन करने के बाद में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। इससे पहले अगर आपको इसकी वायरिंग समझ में नहीं आती है तो इस डायग्राम के ज़रिए आप इसकी वायरिंग कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टाइमर को ऑन कर लेता हूँ। देखिए हमारा वॉश मोटर यहाँ पर बीच के ऊपर चल रहा है, देखिए इस दिशा में घूम रहा है, अब ये इस दिशा में घूमेगा। देखिए अब इधर की दिशा में घूम रहा है, अब इसे हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा ये वाला टाइमर लगाने वाले हैं, तो मैं इसको जरा सा ऐसा रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा स्पिन है, तो स्पिन भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है फ्रेंड। देखिए स्पिन भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और देखिए दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको इसकी वायरिंग अभी आपको मैंने सभी बताया, और हमारा यहाँ पर टेपिंग करना बाकी था। तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर तो मैंने पूरा टेपिंग कर दिया है, अभी ऊपर की ओर बचा है। तो देखिए प्रॉपरली आपने इसमें पूरा टेपिंग करना है, कहीं पर भी इसमें आपने बिना टेपिंग का नहीं रखना है, वरना कस्टमर को या फिर जो भी इसे लेडी चला रही है उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर शॉर्ट लग सकता है, करंट लग सकता है, जान भी जा सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का काम है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इसमें टेपिंग कर दी है और इसकी वायरिंग कर दी है। तो आपने भी जितनी यहाँ पर कट लगाए या फिर जितने भी यहाँ पर कनेक्शन है जॉइंट है, उन सभी को यहाँ पर आपने टेप कर देना है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से टेपिंग कर दिया। अभी बचा हमारे यहाँ पर ये सिर्फ 3 लाइन, तो इनको भी हमने यहाँ पर टेप कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक के काम में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए फ्रेंड। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले किसी इसी तरह की वीडियो में।